हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुवाव स्टाइल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बेडरूम टूर, जो कि मैंने बहुत सिंपली सॉफ्ट और सटल कलर के साथ डेकोरेट किया है। और एज यू नो, मुंबई के घर बहुत छोटे होते हैं, तो मैंने एक इल्यूजन क्रिएट किया है कैसे लाइट कलर के साथ इसको हम बड़ा दिखा सकते हैं अपने छोटे से बेडरूम को। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दिस इज माई मेन बेडरूम, और राइट साइड में मेरा वॉशरूम है। दिस इज माई वॉशरूम। वॉशरूम का मैं एक अलग से वीडियो शूट करूँगी। सो ये हमारा, मैं आपको एक बार अपने बेडरूम का पूरा एक 360 डिग्री व्यू दे देती हूँ। ये मेरा पैसेज, देन मेरा वॉशरूम, एंड देन माय वार्डरोब। सो दिस इज माय वार्डरोब्स। ये फोर डोर वार्डरोब है, तो आप देख सकते हैं सामने इसके दोनों तरफ लगा हुआ है, तो काफ़ी स्पेशियस है मेरे लिए। मेरी ये मेरी डॉटर की है, और वो वाली जो है वो वाली मेरी अपनी है। सो यहाँ पे वार्डरोब नहीं बना हुआ था, सिर्फ वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ था। सो यहाँ पे जो स्पेस खाली बचा था, यहाँ पे मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल रख दिया है। सो काफ़ी स्लीक सा ये ड्रेसिंग टेबल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बल्कि नहीं है। लेकिन अभी मेरा इसमें क्या है, जितना भी मेरा स्टफ़ है वो आता नहीं है। सो अभी मैं नया लेने का सोच रही हूँ। सो देखते हैं कब तक लेते हैं। ये मेरा एक वैनिटी पड़ा है, तो इसमें मेरा सारा, मतलब सारा तो नहीं कह सकती, बट जब मैं शूट करती हूँ तो मुझे उस टाइम पे जो सामान चाहिए होता है तो मैं इसमें रख लेती हूँ। मेरा बहुत इजी होता है उसको जब बाद में पैक करना होता है। सो ये था। यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे ऊपर हमने चार्ट पेपर भी लगाया है, बट मैंने बिल्कुल पूरा कवर नहीं किया, बिकॉज छोटा सा विंडो है। बट लाइट का अच्छा वेंटिलेशन है, यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी से आती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सामने जो मेरा बेडरूम है, तो यहाँ पे जब भी कोई सोया होता है तो बहुत एकदम से सामने मुँह पे लाइट आती है, मोस्टली संडे को जब लेट तक सोने का हमारा प्लान होता है। सो हमने यहाँ पे कर्टन लगा के रखा, मैंने व्हाइट कलर का कर्टन लगाया है, तो इसमें लाइट आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन लाइट बहुत अच्छे से पास होती है। सो ये मेरा पर्पज़ था व्हाइट कलर का कर्टन लगाने का। सो ये मेरा बेड है, हम देख सकते हैं, ये 6x6 का बेड है, तो काफ़ी अच्छा बेड है। और यहाँ पे मैंने दो कुशन्स लगाए हुए हैं मैरून कलर के, बेडशीट के साथ मैच करते हुए। और ये मैंने आगे एक कुशन लगाया हुआ है, पीछे दो बड़े पिल्लोज़ हैं, और ये मेरा बेडशीट है। सो अगर आप इस बेडशीट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से ली, किस ब्रांड के बारे में, तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर आपको बताऊँगी कि ज़रूर अपलोड करूँगी ये कौन से ब्रांड की, मैंने कहाँ से ली है। सो ये मेरे बेड के साइड का, ये मेरा साइड है, इस साइड मैं सोती हूँ, ये मेरा साइड टेबल है। यहाँ पे मैंने अपना मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने स्टोरेज के लिए एक टिन का बॉक्स रखा है जिसमें मेरा स्टफ़, मेरे क्लिप्स, मेरे इयररिंग्स सब रहते हैं। और नीचे मैंने यहाँ पे एक डायरी रखी हुई है, जब भी हमें कुछ लिखना होता है या कुछ रात को कुछ हम काम कर रहे हैं अपना, तो कुछ भी नोट करना होता है, उसके लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। सो नीचे जो मेरा है, कुछ खास नहीं, मैंने दो बास्केट्स रखी हुई हैं, इसमें मेरा जो है क्लचर है, इरेजर, मेरा नेल फाइलर, टिश्यू पेपर, बेड नोवेट या मेरा एसी का रिमोट, देन पेन, देन नीचे एक ये लाइट मैंने रखी हुई है। जब भी हम लेट नाइट तक लैपटॉप पे काम करते हैं तो मेरे हस्बैंड या मैं या फिर मैं, तो हम लोग ये लैपटॉप पे अटैच कर लेते हैं, और कीबोर्ड हमें बहुत ईजिली से दिखता है, सो सबकी जो नींद है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ये मेरा नीचे वाले में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। सो नीचे वाले में मेरे एक बास्केट है, बास्केट के अंदर मैंने एक स्विंग किट रखी हुई है, मेरे जितने भी ऑल आउट्स हैं, या ये मेरा अरोमा डिफ्यूज़र है, तो सब मैंने इसी में रखा हुआ है, ताकि जब भी हमें कभी चाहिए हो। वैसे तो मुंबई में मच्छर बहुत गर्मियों में होते हैं, अभी जैसे विंटर्स के टाइम पे नहीं है तो मॉस्किटोज होते हैं, तो तब हमें नीड पड़ती है, अदरवाइज इतना ज़्यादा नहीं। देन मैंने यहाँ पे दो पफीज रखी हुई हैं, ये मेरी सोफ़ा की पफीज हैं, तो मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि बेडरूम में चेयर लग,
लगाने का और मैं और चेयर लेना नहीं चाहती थी। मेरी केन की चेयर्स हैं बट वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो यहाँ पे लगाना फिर वो बहुत छोटा लगेगा मेरा। तो मैं बहुत ज़्यादा सामान, बहुत बल्कि चीज़ें नहीं रखना चाहती अपने बेडरूम में। जितना आप अपने बेडरूम को सुंदर बनाने के चक्कर में सामान से भर देंगे वो उतना छोटा लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी मेरा बेडरूम छोटा है, बहुत छोटा है। मुंबई में बहुत छोटे फ्लैट्स होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे घर हैं, तो इसलिए मैं उसको और छोटा नहीं बनाना चाहती। तो यहाँ पे कॉर्नर पे एक पाम ट्री मैंने रखा हुआ है, बस एक ग्रीन कलर इफेक्ट देने के लिए बेडरूम में। और ग्रीन जो प्लांट्स हैं वैसे भी बेडरूम जो प्लांट्स हैं वैसे भी एक अच्छा लुक देते हैं, एक अच्छा डेकोरेटिव पीस होते हैं। सो वैसे भी अगर वो प्लांट्स हों तो और ज़्यादा अच्छा। तो ये मेरे यहाँ पे कर्टन्स हैं, मैंने कर्टन्स लगाए हैं। यहाँ पे मेरी विंडो है बट मैंने यहाँ पे डोर कर्टन्स लगाए हैं। तो लंबे कर्टन्स लगाने का रीज़न ये है कि आपका रूम भी थोड़ा बड़ा दिखता है, और अगर हम छोटे कर्टन्स यहाँ पे विंडो 5 फीट कर्टन्स लगा देंगे तो रूम और थोड़ा छोटा लगेगा। सो मैंने लाइट कलर ही यूज़ किया है यहाँ पे, और लाइट कलर थोड़ा और घर को बड़ा दिखाता है, रूम्स को बड़ा दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे और लाइट कलर सब फर्नीचर के साथ मैच भी हो जाता है। सो मैंने यहाँ पे कलर ना यूज़ करके मैंने लाइट कलर यूज़ किया है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। और जो हम एक सिंगल लाइट ऑन करते हैं या एलईडी ऑन करते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट करके और ब्राइट आती है। ये हमारा बेड का दूसरा साइड है, ये मेरे हस्बैंड का साइड है, वो यहाँ पे सोते हैं मोस्टली, तो ये उन्हीं का साइड है। ये वाला जो मेरा साइड टेबल है, मैंने स्टोरेज एक्चुअली मेरे पास 4 साइड टेबल्स हैं, बट यहाँ पे कॉर्नर में मैंने थोड़ा बड़ा वाला रखा हुआ है, और नीचे मैंने स्टोरेज वाला नहीं, नीचे मेरा छोटा स्पीकर पड़े हैं। जब भी कभी हम बेडरूम में आ, हमें म्यूज़िक सुनने का मन है या लैपटॉप पे मूवी देखने का मन है तो हम लोग इसको लगा लेते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए। और ये यहाँ पे मैंने एक बेड साइड लैम्प रखा हुआ है, तो ये लैम्प मैंने होम सेंटर से परचेज़ किया था। और नीचे मेरे हस्बैंड की बुक है, वो रात को सोते समय पढ़ते हैं, और ये मेरी डॉटर की स्टोरी बुक है, वो भी रात को सोते समय पढ़ती है। सो ये है ये लालटेन है इसमें, तो ये मैंने क्रॉफर्ड मार्केट से लिया था। और पीछे मैंने एक वास रखा हुआ है, ग्लास का वास, तो ये मैंने स्टोर 99 से लिया था। और ये जो फ्लावर स्टिक है ये भी मैंने स्टोर 99 से ली थी। सो नीचे मैंने सेम ही जो मेरे साइड पड़ा है ये थोड़ा बड़ा है, ये भी मैंने स्टोरेज के लिए रखा हुआ, कभी चार्जर्स पेन ड्राइव्स या फिर कुछ और स्टफ़ होता है तो ये इसमें मेरा सिर्फ हस्बैंड का स्टफ़ है तो वही रखते हैं। तो बाकी ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है, बेड का दूसरा सो ये है बेड, मेरे बेड का दूसरा साइड। और बेड के ऊपर देखें तो बेड के ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई है, तो ये भी मेरी कज़न है, उसके हस्बैंड ने ये पेंटिंग की, तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं, तो उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। इस पेंटिंग को भी ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स हो गए हैं। तो मेरा आज का मेरा बेडरूम टूर, बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ मैंने, बस सिंपल सा है। बस अगर आप इसमें कम सामान रख के इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन रखेंगे, थोड़ा लाइट कलर रखेंगे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं यूज़ कीजिए बेडरूम में। जितने भी आपके बेडरूम में अगर आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फर्नीचर जो है अलमीरा हो गई, मेरा बेड हो गया, बेड साइड हो गया, वो ऑलरेडी बहुत डार्क है, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बाकी सब चीज़ें लाइट रखूँ ताकि वो बैलेंस होके मतलब रूम थोड़ा अच्छा लगे। सो मेरी बेडशीट भी मोस्टली लाइट होती हैं, तो बहुत रेयर ही होता है कि मेरी बेडशीट बहुत वाइब्रेंट है, तो बाकी वैसे मेरी मोस्टली बेडशीट जो है वाइट ही होती हैं। सो ये था मेरा बेड का ओवरऑल लुक। आई होप गाइस आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।